जीवन में ये चीजें सबसे अधिक मायने रखती हैं कि आपने कितने अच्छे से प्रेम किया, आपने कितनी पूर्णता के साथ जीवन जिया, आपने कितनी गहराई से अपनी कुंठा को जाने दिया। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। मैं दुनिया के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि यह दुनिया है जो मेरे साथ भेदभाव करती है। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है, तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। यह सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते जो उनके पास पहले से मौजूद है। कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। अगर आप किसी और के लिए दीपक जलाएंगे तो वो आपका भी मार्ग प्रकाशित करेगा। जीवन में एकमात्र वास्तविक असफलता आप जो सर्वश्रेष्ठ जानते हैं उसके प्रति सच्चे न होना है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितना बोल लो, वो आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। कष्ट की जड़ आ सकती है। अपना हृदय अच्छी चीजों में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। जिस दिन आप सारी सहायता अस्वीकार कर देते हैं, आप मुक्त हो जाते हैं। जो क्रोधित विचारों से मुक्त हैं, उन्हें निश्चय ही शांति प्राप्त होगी। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है और ध्यान महत्वपूर्ण है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो तुम्हारा शरीर कीमती है, यह हमारे जागृति का साधन है, इसका ध्यान रखो। आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। आप जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।